हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। ये है प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, या कह सकते हैं प्रोडक्ट कंपैरिजन वीडियो। और इसमें मैं करने वाली हूँ कंपैरिजन इन दो बॉटल्स का, एक है फिलिप्स एवेंट की प्लास्टिक बॉटल और एक बेबी हक की स्टेनलेस स्टील बॉटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोनों ही काफी फेमस है और दोनों ही काफी अच्छी है, तो देखते हैं कि क्या बेटर है बेबी के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फिलिप्स एवेंट की बॉटल की। ये मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी बॉटल है, प्लास्टिक है, बीपीए फ्री प्लास्टिक है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल इसमें यूज नहीं हुआ है और एकदम लीक प्रूफ है, जरा सा भी दूध जो है वो निकलता नहीं है। और एंटीकॉलिक है, सबसे अच्छी बात है कि जो इसके निप्पल है ये एंटीकॉलिक है, तो बच्चे के पेट में गैस नहीं जाती और कॉलिक उसको फॉर्म नहीं होता। बाकी इसमें क्या क्या आया था, एक ये इसका कैप है, उसके साथ ये निप्पल है मीडियम फ्लो की। अब तो मैं फास्ट फ्लो की यूज करती हूँ, इवान 2.25 साल का होने वाला है, और अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल निप्पल्स आती हैं, स्लो वाली फ्लो की भी आती है, मीडियम फ्लो भी आती है, फास्ट फ्लो भी आती है। अभी फिलहाल मैं फास्ट फ्लो वाली बॉटल यूज कर रही हूँ, और साथ में ये बॉटल है और ये इसका कवर है। स्टेरिलाइज करना बहुत ईजी है, यूज करना बहुत ईजी है, चारों पार्ट्स को बस पानी में हॉट वाटर में डाल दो, स्टेरिलाइज हो जाती है आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे अच्छी बात है ये जो निप्पल है ये सिलिकन की है, बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, और ये जो इसकी शेप है ये बिल्कुल माँ की जो निप्पल होती है उससे रिजेंबल करती है। तो इसलिए ये और भी ज्यादा इतना फेमस प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि बच्चा आराम से दूध पी लेता है, उसे ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता। तो ये तो मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज किए, अभी भी कर रही हूँ, 2.25 साल हो गए हैं करते करते यूज, तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है मार्केट में, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा बात करते हैं दूसरी बॉटल की जो मैंने रिसेंटली मंगाई है 2-3 महीने पहले, ये है बेबी हक की स्टेनलेस स्टील बॉटल। तो अगर कंपैरिजन करें प्लास्टिक और स्टील का, तो इट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या यूज करना चाहते हैं। स्टील भी अच्छा है, स्टील तो बहुत ही अच्छा है इनफैक्ट, और प्लास्टिक भी अगर बीपीए फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, लीक प्रूफ है, तो प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं इस वाली बॉटल के बारे में। तो ये बॉटल भी बिल्कुल बीपीए फ्री है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं यूज हुआ है, लीक प्रूफ है, कोई दूध नहीं निकलता, और एंटीकॉलिक है इसका निप्पल। और ये वाला जो फ्लो है इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं, ये भी मैंने फास्ट फ्लो मीडियम फ्लो वाला यूज कर रही हूं मैं इसमें, तो ये वाले इसके भी निप्पल्स के अलग अलग वेरियंट, आप अलग से निप्पल खरीद सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी ये बॉटल। और उसके अलावा इसके भी 4 पार्ट्स हैं, ये कवर है, ये निप्पल है, साथ में स्टेनलेस स्टील है और इसका कवर है, वैसे ही स्टेरिलाइज होगी, हॉट वाटर में डाल दीजिए, अच्छे से उबाल के 10 मिनट तक रख के उसके बाद बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो ये वाली बॉटल्स भी जो है बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आसानी से यूज कर सकते हैं, बच्चा जो है आसानी से लैच भी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टील है तो दूध जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, एकदम बढ़िया रहता है, और अपने मन को सुकून रहता है कि चलिए प्लास्टिक नहीं यूज हो रही, स्टील यूज हो रही है। तो दोनों ही बॉटल्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बेबी हक की ये बॉटल भी, इसका प्राइस था 500 समथिंग था और इसका भी 500, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क है, ये थोड़ी स्टेनलेस स्टील है तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, पर मुझे लग रहा है 30-40 रुपीज का ही डिफरेंस है दोनों में, 500 के आसपास की दोनों बॉटल्स है। तो अब आपकी चॉइस है आप कौन सी बॉटल यूज करना चाहते हैं, चाहे तो आप स्टेनलेस स्टील भी कर सकते हैं, चाहे तो प्लास्टिक भी कर सकते हैं, दोनों मार्केट में बेस्ट बॉटल्स है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो इनका अभी कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ फिलहाल, कभी इससे पिला देती हूँ कभी इससे, इनफैक्ट मैं जब जाग रहा होता है इवान तो इससे पिलाती हूँ, जागते जागते अगर वो दूध पीता है, क्योंकि उसे आदत है इस बॉटल से दूध पीने की काफी लंबे टाइम से। तो बस ये था इन दोनों बॉटल्स का रिव्यू, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।